हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज का, जैसे आपने मेरा टाइटल पढ़ लिया होगा, मेरा जो ये व्लॉग है, वैसे तो मैं फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ और वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन ना, ये एक नई चीज़ मुझे हाल फिलहाल अभी दिखी है और पता चली है, तो मैंने सोचा ये भी ट्रिक आपके साथ शेयर करूँ। मुझसे रुका भी नहीं गया एंड आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों को ये ट्रिक ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं ये शेयर कर रही हूँ कि जैसे हम लोग जब चादर अपने बेडशीट धोते हैं तो जब हम फोल्ड करके वापस रखते हैं तो अक्सर ऐसा होता ही है कि जो बेड कवर्स होते हैं वो तो ठीक रहते हैं, लेकिन जो पिलो कवर्स होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं। सो ये ट्रिक मैंने ऑनलाइन ही कहीं देखी थी कि आप एक पिलो कवर के अंदर ही वो पूरी चादर को एंड बेडशीट को फोल्ड करके अच्छे से रख दीजिए, वो मिसप्लेस भी नहीं होता और जगह भी बड़ी कम लेती है। तो मुझे तो ये ट्रिक बहुत ही अमेजिंग लगी। आपको कैसी लगी मुझसे ज़रूर शेयर करना कमेंट में। और एक और चीज़, ऐसा आप लोग मेरा ना व्लॉग देख रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बट बिल्कुल भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आप मेरा व्लॉग पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। उससे मुझे भी थोड़ा हौसला मिलेगा, मुझे लगेगा आगे और काम करना चाहिए और मेरे जो नए नए चीज़ें आएंगी, जो भी व्लॉग्स आएंगे वो भी आप मिस नहीं करेंगे। चलिए फिर आज का व्लॉग शुरू करती हूँ मैं यहीं से। सो ये मैंने ऑनलाइन कुछ फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए हैं, दो साइज में है, एक ये वाला साइज है और एक ये लंबे से साइज में है, स्क्वायर और ये रेक्टेंगल शेप में है। सो ये वाले जो है, आज मेरे को फ्रिज अपना ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए मैंने ये दोनों मंगवा लिए हैं। और सबसे अच्छी बात, काफी अच्छा डील मुझे मिला था, मैं लिंक इसका शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और ये जो प्लास्टिक है ना, ये बहुत अच्छा फूड ग्रेड वाले प्लास्टिक्स है, BPF फ्री है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, एंड फ्रीजर में हम रख सकते हैं, देन ये रिसाइकल हो जाते हैं, ये वो वाले प्लास्टिक्स हैं। सो बहुत अच्छी क्वालिटी में मुझे मिले हैं इनके साथ। ये देखिए, हर डब्बे में ना एक लाइनर भी दिया है उन्होंने, इस तरह के लाइनर्स दिए हैं जिससे अगर हम जो वेजिटेबल या जो भी फ्रूट अपना जो भी हम इसके अंदर रखेंगे वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि वो नीचे टच नहीं होगा ना, तो वो गंदा सा अगर पानी वानी कुछ रह जाए या कुछ भी उसकी वजह से, तो बहुत अच्छे दिए हैं। और ये है उनके कवर्स, तो मुझे देखने में भी बहुत अच्छे लगे ये। चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपना ऑर्गेनाइज करके। तो यहाँ ना मैंने सबसे पहले अनबॉक्सिंग के बाद मैंने इन लोगों को वॉश कर लिया था, क्योंकि ये बाहर से आए हुए हैं और पहली बार यूज़ कर रही हूँ। सो कोई भी चीज़, मुझे लगता है जैसे एडिबल जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उससे पहले हम थोड़ा वॉश ही कर लेना बेटर है। और यहाँ स्टोरेज करने वाले इन बॉक्सेस में, सो किन किन के हाथ लगे हैं, कैसा है, थोड़ा अनहाइजीनिक मैटर रहता ही है। सो मैं इनको अपने नॉर्मल से जो अपना लिक्विड सोप है उसके साथ मैं वॉश कर ले रही हूँ। और एक जैसे ये जो स्क्वायर वाले डब्बे हैं, ये तीन का सेट था, तो ये तीन हैं, और जो रेक्टेंगल वाले हैं वो छः का सेट मैंने लिया है। और यहाँ ना मुझे थोड़ी जगह कम पड़ गई तो मैंने यहाँ पर ये कपड़ा बिछा लिया कि चलो यहाँ सिंक पे तो जगह नहीं है, तो अभी मैं स्लैब में रख दे रही हूँ। सारे लाइनर्स, ढक्कन और डब्बे मैंने एक साथ धो लिए थे, तो जब तक ये सूखेंगे तब तक मैं अपने फ्रिज को थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। क्लीन इन द सेंस, उसको पहले तो निकालना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें मेरे फ्रिज में भरी हुई हैं, वो देखना पड़ेगा क्या चीज़ रखने की है क्या नहीं है। तो ये देखिए मेरे फ्रिज का क्या हाल है, बहुत ही मेसी हो रखा है इस समय और हर चीज़ इधर उधर है, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है बिल्कुल भी। सो ये जो जितना भी होता है ना, ये दिवाली के बाद देन बैक टू बैक सब कुछ आया, न्यू ईयर्स एंड ऑल, सो वो सारे एक के एक बाद एक पार्टी होने की वजह से मुझसे कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। मैंने काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं कर पाई थी, स्पेशली डीप क्लीनिंग तो बिल्कुल ही नहीं हुई मेरे फ्रिज की। नॉर्मल क्लीनिंग चलो हाथ पाथ लग जाता है वो मैं कर ले रही थी बीच बीच में, लेकिन इस बार मैंने सोचा था जैसे ही डीप क्लीनिंग का टाइम आएगा मैं ये ऑर्गेनाइजर जरूर मंगवा लूंगी, जैसे कि फ्रिज को थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाऊँ। सो इस बार मैंने पहली बार ये ऑर्गेनाइजर्स मंगाए हैं। यूजली जैसे हम हाउसवाइफ्स होते हैं, हम थोड़ा जुगाड़ू काम करते हैं, तो मैं तो ना फ्रिज जो घर पे रखे हुए डब्बों से ही ऑर्गेनाइज करती थी। सो ये जैसे स्क्वायर वाले हैं, इनके साथ भी ये लाइनर्स दिए हैं और बहुत ही बढ़िया दिए हैं ये नो। इनका साइज जो है आई थिंक 1500 ml का था, मैं आपको चेक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर अभी मैं मिस कर रही हूँ तो। और ये इसका कवर है, अच्छी टाइट है, एयर टाइट है बिल्कुल ये। अब
अब ये डब्बे अच्छे से सूख भी गए हैं, लेकिन मैं अच्छे से थोड़ा सा एक बार कपड़ा मार लेती हूँ, जितने भी मतलब थोड़ी सी नमी छोड़ना भी सही नहीं लगता है, तो इसलिए अच्छे से मैंने सुखा लिया है इनको कपड़ा मार के भी। और मैं अब अपनी जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं उनमें डालना शुरू कर दूँगी। जो लंबे वाले डब्बे हैं मुझे लग रहा है उनमें जितने भी लंबे अपनी वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे स्प्रिंग अनियंस हैं और भी गाजर या मूली या इस तरह की कोई चीज़ आराम से आ जाएंगे। और ये देखिए कितने नीटली इसमें आ भी गए। तो मैं हर सब्ज़ी को ना थोड़ा सा रखने से पहले थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। जैसे स्प्रिंग अनियन के भी मैंने उसके रूट्स और जितने भी गंदे पत्ते थे जो सूख गए थे वो सब निकाल दिए हैं। और यहाँ मुझे गाजर लग रहे हैं थोड़े बड़े साइज़ के हैं, तो मैंने उनको थोड़े से कट कर लिए। और थोड़ा बहुत जो गीला रह गया क्योंकि मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। मैं पहले भी आदत थी जैसे हम करते ही हैं अपने फ्रिज में रखने से पहले थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर ही लेते हैं इन वेजिटेबल्स को, तो उनको पोच के सुखा के अब अच्छे से इनको मैं स्टोर कर ले रही हूँ। अच्छा, जब ये आए थे ना बॉक्सेस तो मैं यही सोच रही थी कौन सी जगह पे क्या रखूँगी, कैसे करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइज कर लेना इतना मुश्किल नहीं है जितना ये सोचना कि होना कैसे है, कौन सी जगह पे क्या रहेगा, वो सोचने में थोड़ा सा टाइम जाता है। तो फ़िलहाल तो मुझे यही लग रहा है जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं लंबे लंबे वाले जो होते हैं, चाहे तोरी वोरी क्यों ना हो, समर्स वाले भी जो होते हैं, वो इन डब्बों में बहुत अच्छे से आ जाएंगे, क्योंकि इनकी ना गहराई भी बहुत अच्छी है। ये इन डब्बों की बहुत बेस्ट पार्ट है कि ये सिर्फ लंबे ही नहीं बल्कि गहरे भी हैं, तो काफ़ी सब्ज़ियाँ बड़े अच्छे से आ जा रही हैं। अभी देखिए ये जो कुकुम्बर्स हैं कितने अच्छे साइज़ के हैं, लेकिन आराम से आ गई हैं इसमें। और जो थोड़ी बहुत जगह बच रही है वहाँ पे मैं आंवले इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं, जो एक्स्ट्रा जगह बच रही है आप मिक्स एंड मैच करके भी रख सकते हो। अच्छा, यहाँ साथ ही साथ ना मैंने एक साइड में अंडे भी उबलने के लिए रख दिए। तो यूजली मेरे यहाँ कैसे होता है, जितने भी अंडे आते हैं उनमें से हाफ मैं हमेशा उबाल लेती हूँ पहले ही, और जो डब्बे मेरे हो गए थे पैक उनको मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर ले रही हूँ। और मुझे देख के इतनी खुशी मिल रही है, इतनी नीटली कभी भी मेरे वेजिटेबल्स कभी नहीं गए हैं, पता है, या तो हम पैकेट्स में रखते हैं या फिर वो बैग्स में रखते हैं, उसके बावजूद कभी भी ऐसे नीटली दिखता नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। और फ़िलहाल देखने में ऐसा लग रहा है वाओ, बड़े ही क्लीन सारी सब्जियाँ भी आ गई और दिख भी सब कुछ रहा है। और ये जो बड़े वाले स्क्वायर डब्बे हैं इनमें भी बहुत अच्छे से स्टोरेज हो पा रहा है। जैसे आप देख रहे हो मेरे कैप्सिकम का साइज़ देखिए कितने बड़े हैं, लेकिन क्योंकि ये गहरे बहुत हैं अच्छे से आ जा रहे हैं, तो मैंने सारे कैप्सिकम्स एक डब्बों में रख लिया। और ये बीट रूट और बच्चे कुचे जो भी हैं जैसे नींबू है इस तरह की चीज़ें एक जगह पे रख ली। अभी ना मैं यहाँ पे हरी मिर्च भी रख रही हूँ क्योंकि जगह बहुत है। और यहाँ पे मैं एक टिप आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं हमेशा हरी मिर्च का ना ये पीछे का जो डंडा होता है उसे तोड़ के रखती हूँ, और इससे ये आपकी मिर्चें जो हैं बहुत लंबे टाइम तक रहती हैं, बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। क्योंकि अगर आप नोटिस करना, अगर आप टिप के साथ रखेंगे उसके डंडे के साथ रखेंगे तो वो जल्दी गलनी शुरू होती हैं, ख़राब होनी शुरू होती हैं। तो अभी ये बॉक्स क्योंकि अच्छे खासे बड़े साइज़ के हैं, तो मैं यहाँ पे कड़ी पत्ता और धनिया मेरे पास जितना भी था उनको मैंने एक साथ ही इन बॉक्सेस में रख लिए। और ये मुझे आइडिया अच्छा भी लगा है कि ठीक है आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम चीज़ें इनमें रख सकते हैं, इनका साइज़ बहुत अच्छा है। और जैसा मैंने पहले शेयर किया कि इनकी भी गहराइयाँ बहुत अच्छी है, तो ये गहरे होने की वजह से मोटी बड़ी इस तरह के साइज़ के वेजिटेबल्स आराम से इसमें आ जा रही हैं। अच्छा, ये दो दिन पहले ना मेरा बड़ा बेटा वो गया था महाबलेश्वर ट्रिप, स्कूल ट्रिप गए थे एक्चुअली महाबलेश्वर, तो वहाँ उन लोगों की एक एक्टिविटी थी स्ट्रॉबेरी प्लकिंग की। तो उन लोगों को ये बोला गया था जो जितने स्ट्रॉबेरीज प्लक करेगा अपने बास्केट में उनको परचेस करके वो अपने घर ले जा सकते हैं। सो वो इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज लिया और इतने फ्रेश ऑर्गेनिक मज़ा आ गया था बिल्कुल, तो मैंने उन्हें भी पैक कर लिया। और ये जो मेरा नीचे वाला बास्केट है ये फ्रूट बास्केट है, लेकिन यूजली मैं फ्रूट्स बाहर ही रखती हूँ, लेकिन अभी बहुत सारे आ रखे हैं एक्चुअली, तो मैंने थोड़े थोड़े फ्रूट्स इनमें रख दिए और इन्हीं के थोड़े थोड़े बाहर बास्केट में भी रख दिया। सर्दियों में फ्रिज वाले तो खा ही नहीं जा सकते ना। अच्छा, ये ना मेरे अंडे बॉयल हो चुके थे और ठंडे भी हो गए हैं, तो अब मैंने ये टास्क, ये जो श्लोकी का बहुत फेवरेट एक्टिविटी है, उसी को दे दिया। तो जितने भी बॉयल्ड एग्स होते हैं उन पे वो इस तरह से कुछ ना कुछ अपनी आर्टवर्क कर लेता है, कभी फेसेस बना लेते हैं, कभी फ्लावर्स व्लावर्स कुछ भी कर लेता है। तो इस बार जैसे मुझे लग रहा है वो डिफरेंस साइज फेसेस बना रहा है, और इससे क्या होता है जब मैं फ्रिज में रखती तो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं कि कौन से उबले वाले अंडे हैं और कौन से नहीं उबले वाले, क्योंकि कई बार बच्चों को एकदम से इवनिंग में भूख लग जाती है तो बॉइल्ड एग अच्छे स्नैक्स में अकाउंट हो जाता है, तो वो लोग खुद ही उठा के अपना खा लेते हैं।
अच्छा टमाटर मैं ऐसे ही रख रही हूँ, पहले ना मेरी आदत थी कि मैं टमाटर को भी वॉश करके रखा करती थी, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि टमाटर अगर वॉश करके हम सुखा के भी रखें वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब मुझे आप लोग बताना आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए काफ़ी टाइम से अब मैं ऐसे ही रखने लग गई हूँ कि मैं उन्हें वॉश नहीं करती हूँ, सीधा ऐसे ही खोल के रख देती हूँ और जब भी यूज़ करना हो तभी मैं उनको वॉश करती हूँ। आई एम श्योर आप लोगों के भी एक्सपीरियंसेस कुछ कुछ रहे होंगे किचन को लेकर, यू नो खाने पीने एंड इस तरह फ्रिज ऑर्गेनाइज करने को लेकर। सो प्लीज़ शेयर कीजिएगा कि आपको कैसे लगा ये सब ऑर्गेनाइज करना और आप लोग क्या करते हो अपने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को फ्रेश रखने के लिए। अच्छा ये देखिए बातों ही बातों में सारे डब्बे स्टैक हो गए हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। वैसे तो मुझे एक दो बार ऊपर नीचे करने ही पड़े ये समझने के लिए कि कौन सा डब्बा कहाँ मेरे लिए हैंडी ज़्यादा रहेगा। आई एम श्योर वो तो पहली बार जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं ये चीज़ें थोड़े आती ही हैं चैलेंजेस। एनीवेज वो हो गया है फ्रिज और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मेरा डेली के यूज़ वाले अदरक और लहसुन है ना उनको भी मैं ऐसे छोटे डब्बों में, और ये पहले के ही लिए हुए डब्बे हैं, जैसे कभी कुछ खाना वाना मंगवा लेते हैं या फिर ऑनलाइन ही हम कोई सब्ज़ी मंगवा लेते हैं उनमें ये डब्बे आ जाते हैं, उनमें रख के ना मैं इधर साइड वाले डोर में इस तरह रख देती हूँ। ये मेरे बहुत हैंडी हो जाते हैं डेली यूज़ के लिए, बड़े सबसे सही लगते हैं मुझे ये वाले। और ये वाला क्लिप ना सुबह का ही है, एक्चुअली मेरे हस्बैंड मुझे अनार छीलने में हेल्प कर दे रहे थे, जैसे कि मैंने बताया आज फ्रूट्स बहुत आ रखे थे तो उन्होंने ये अनार सारे छील दिए बड़े आराम से। वो ऐसे बैक में ऐसे मारते जाओ ना आप अगर स्पून से तो अपने आप ही सारे अनार झड़ के नीचे आ जाते हैं और इतने ईजीली ये छील जाते हैं, बिल्कुल गंदगी नहीं मचती है। और वैसे सच्ची बताऊँ तो मैं अनार छीलने में थोड़ा कतराती हूँ क्योंकि मुझे लगता है इससे भी ना नेल्स पूरे काले काले हो जाते हैं, आई डोंट नो मेरे साथ तो बहुत होते हैं तो इसलिए मेरे हस्बैंड ही मुझे हेल्प कर दे रहे थे। और फिर इनको छील के अगर आप रख दो ना तो इजीली खाया भी जाता है, बच्चों को सर्व हो जाता है। तो इनको भी मैंने ये एयर टाइट वाले मेरे पहले से ये डब्बे मेरे पास थे उनमें मैंने रख लिया है और ये भी इजीली यहाँ पे रखे गए हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे अंडे अच्छे से श्लोक ने आर्ट वर्क कर लिया था, उनमें फेसेस बना लिए थे तो मैं उनको भी रख दे रही हूँ। तो इतने क्यूट लग रहे थे इस बार तो उसने बड़े ही प्यार से, उसको पता था कि मम्मा दिखाने वाली है तो बहुत ही उसने मेहनत की इन पर और बड़े प्यारे प्यारे उसने डिजाइंस बनाए, फेसेस बनाए डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ ऊपर की शेल्फ में मैं हमेशा थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स रखती हूँ जिनका बच्चों के साथ या किसी और चीज़ों में ज़्यादा यूज़ नहीं है, जिस तरह की बटर ब्रेड या फिर यू नो चीज़ जैसे होते हैं इस तरह की चीज़ें, जो भी एक्स्ट्रा हम लोग रखते हैं डेयरी का अपने घर पर सामान, तो चीज़ स्लाइस ऐसे आते हैं तो मैं उनको पैकेट में से निकाल के ऐसे एक डब्बे में रख देती हूँ। और ये भी बड़ा यूज़फुल हो जाता है, इजी हो जाता है हैंडल करना। और जैसे टोफू के पैकेट्स आ गए, इन सबको एक जगह पे रख देती हूँ। तो डेयरी प्रोडक्ट्स हमेशा मैं ऊपर थोड़ा रखती हूँ। और ये वाला सेक्शन तो मेन जिसके लिए हम फ्रिज ख़रीदते ही हैं, हम इंडियन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जितना भी हमारा लेफ़्ट ओवर्स होता है वो रखने के लिए फ्रिज का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आटा अगर लगा हुआ है, कोई चीज़ मैरिनेट करके रखी है या फिर दूध उबले हुए, या सुबह या शाम का जो थोड़ा बहुत हमारा खाना लेफ़्ट ओवर बच जाता है, तो मैक्सिमम यूज़ तो हमारा उसी लिए होता है फ्रिज। तो ये मैंने यहाँ पे सारा लेफ़्ट ओवर्स और दूध ये सारा सामान रख दिया। और ये साइड का जो मेरा डोर है वहाँ पे जितने भी हमारे पास इस तरह के पाउचेस होते हैं ना, कई बार यूज़ तो कर लो लेकिन फिर भी उनमें थोड़ा बहुत रह जाता है और वो फेंकने का भी मन नहीं करता है, तो उन सारे पाउचेस को मैं इकट्ठे इस तरह एक डब्बे में रख देती हूँ जिससे वो बिखरे ना, नहीं तो ये बहुत मेसी हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रिज डोर को यही गंदा करते हैं, तो इनको एक डब्बे में इस तरह स्टैक कर दिया मैंने। और जितने भी टेट्रा पैक्स हैं उन सबको मैं एक जगह ही रखती हूँ। और कई बार क्या होता है ये छोटा वाला डब्बा मैं इसलिए रखती हूँ हमेशा, जिससे कि छोटे वाले जो सैशेज मिलते हैं हम लोग पिज्ज़ा मंगाते हैं उनमें बच के बच जाते हैं, तो उनको हमेशा एक जगह करके रखने के लिए मैं इस तरह से डब्बों में रख देती हूँ। और ये देखिए फाइनली मेरा जो फ्रिज है वो ऑर्गेनाइज हो गया है, नीट एंड क्लीन हो गया है, हर चीज़ की अपनी एक जगह बन गई है। एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इस वाले सेक्शन में ना मैं हमेशा अपने मेडिसिंस रखती हूँ, बच्चों के मेडिसिंस या हम लोग के घर के जो होते हैं। कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए फिर यहीं पे मैं अपना आज का व्लॉग फिनिश करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।